हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल स्टडी में। और बच्चों, सबसे बड़ी खुशखबरी आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। देखिए, सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आप लोगों को पता है कि 15 जुलाई को आउट हो गया था। अभी सबसे बड़ा इंतज़ार जो था हमें, देखिए उससे पहले यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आउट हुआ था, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का क्लास ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आया, उसके बाद क्लास टेंथ का रिज़ल्ट आया सीबीएसई का। लेकिन अब हमारे आसपास में उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे भी हैं जो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का। तो सभी बच्चों को मैं यही खुशखबरी के साथ आपके सामने आया हूं, मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, ताकि आप लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट ने कब ये निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड बोर्ड का रिज़ल्ट आउट करेंगे। मेन हमारी थीम यही है, आज हम यही जानेंगे कि हमारा रिज़ल्ट की डेट क्या है और जो मार्किंग हुई है, मार्किंग स्कीम जो है वो किस तरीके से हुई है, और उसके बाद जो लास्ट में होगा वो जो बच्चे डेंजर जोन में हैं, यानी कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे, उन बच्चों के लिए भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए, हमारे जो HRD मिनिस्ट्री है उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी हमें कि 25 से 30 जुलाई, ठीक है, कौन सी जुलाई, 25 से 30 जुलाई के बीच आपका रिज़ल्ट कभी भी आउट हो सकता है, ठीक है। देखिए, जैसे CBSE ने कहा था कि हम 15 तारीख से पहले आपको रिज़ल्ट दे देंगे, ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट ने इस बार भी यही कहा कि 25 से 30 जुलाई के बीच आपका रिज़ल्ट कभी भी आउट हो सकता है। मे बी 25 जुलाई को ही आ जाए, मे बी 26 जुलाई को आ जाए, मे बी 30 जुलाई को आ जाए, है ना। तो यानी 25 से 30 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि सरकार ने बोला है। उसके बाद मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि यार पता नहीं कैसी मार्किंग हुई है, जो एग्ज़ाम हुए हैं, है ना, उनमें। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मार्किंग कोई इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है हर बार, ठीक है। हर बार का ये रेशो रहता है कि मोस्टली बच्चे पास हो जाते हैं, लगभग 80-90% आपका रिज़ल्ट रहता है, ठीक है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी बहुत बच्चे पास हुए थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए, लॉकडाउन की स्थिति थी तो समय का बहुत ही ज़्यादा महत्व था, लेकिन वो समय वो लोग दे नहीं पाए हैं, टीचर्स दे नहीं पाए, ठीक है। जैसे CBSE में हुआ, काफ़ी जल्दी जल्दी इवेल्यूएशन की प्रोसेस हुई, हालाँकि इवेल्यूएशन अच्छे तरीके से होगी, लेकिन जिन बच्चों को ये डाउट लगता है कि हमने कुछ नहीं किया तो हम फेल हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर रहा हूं कि बच्चे डेंजर जोन में कौन से होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, डेंजर जोन में बच्चे वो होंगे जो कुछ करके नहीं आए, जिन्होंने कॉपी खाली छोड़ दी है अपनी, ठीक है। जिस बच्चे ने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, टीचर नंबर्स को कहां से देगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो बच्चे हमारे नहीं कुछ कर रहे हैं, जो बच्चे कुछ करके ही नहीं आए कॉपी में, तो सिंपल सी बात है कि डेंजर जोन में वो होंगे, ठीक है। बाकी बात ये भी है कि बच्चों, आपको आपके प्रैक्टिकल यानी इंटरनल के मार्क्स मिलते हैं 20, ठीक है। आपने क्या करना होता है, 80 मार्क्स की आपको थ्योरी होती है आपकी, ठीक है। ये मैं 10th की बात कर रहा हूँ, 12th के बाद अभी करेंगे हम, ठीक है। 80 नंबर की आपकी थ्योरी होती है प्लस 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल मिलता है, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या होता है कि 20 नंबर ये आपको स्कूल देता है, मान के चलिए आपके 15 से लेके 20 तक आ गए, ठीक है। इससे कम कोई नहीं देता, ये भी आपको पता है, ठीक है। इससे कम कोई नहीं देता, अगर आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपके साइड 20 हों, तो उसमें से हमें क्या रहता है कि अगर हम मान लें कि 15 मार्क्स हैं हमारे प्रैक्टिकल में, तो हमें टोटल चाहिए होते हैं 33। अब हमें क्या होगा कि 80 में से अगर हमारे 18 मार्क्स भी आ जाते हैं तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अपना 18 मार्क्स का किया हुआ है, जिन्होंने, और ये भी है बात कि उसमें मॉडरेशन पॉलिसी का भी थोड़ा फ़ायदा मिलता है कि अगर मान लो हम 32 के आसपास बैठ रहे हैं या 31 के आसपास बैठ रहे हैं, तो वो बच्चे पास हो जाते हैं, है ना, वो बच्चे पास हो जाते हैं। ऐसी संभावना है इस बार, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी वैसे तो नहीं लगती, कोई भी बोर्ड नहीं कहता कि मॉडरेशन पॉलिसी लगी, लेकिन हिडन होती है तो मे बी लग जाए, ऐसी संभावनाएँ हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे 70 मार्क्स वाली, जो हमारे 12th के बच्चे हैं, 70 मार्क्स का आपका होता है थ्योरी, 30 मार्क्स का आपका होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस 30 में से आपको मिनिमम 11 लाने होते हैं, लेकिन इसमें अगर आपके 26 या 27 भी आ जाते हैं, फिर भी आपको 70 का 33% चाहिए होता है, ठीक है। तो ये बात आप जान लें कि अगर 70 मार्क्स का आपका थ्योरी है, तो उसमें आपको
लगभग 24 या 26 आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर आपका जो प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर या 25 नंबर जितने भी आपके होंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात ये कि खुशखबरी केवल 10th के बच्चों के लिए है कि जो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत भी करके आए हैं, कुछ कॉपी में लिख के आए हैं, वो बच्चे निराश नहीं होंगे, उन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे 12th के हैं वैसे तो वो भी सही रहेंगे, क्योंकि जो अब की बार जो इवेल्यूएशन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रही है। आप सभी को पता है कि स्थिति कुछ ऐसी थी कि उस टाइम पे हम लोग जो है इतना टाइम नहीं दे पाए, तो जैसा भी है तो उसमें आपकी जो इवेल्यूएशन है वो थोड़ी सही रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, ऐसा अनुमान है, ठीक है। तो मैं सभी बच्चों को कहूँगा, उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों को कहूँगा कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो बच्चा कुछ करके ही नहीं आया वो बच्चा निराश होगा, वैसे तो कोई बच्चा निराश नहीं होगा अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि सब बच्चों को पता चल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।